जन्मभूमि टाइम्स में आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बालाघाट से बड़ी खबर, फसल चराने के आरोप में चरवाहे की हत्या, पेड़ के नीचे मिला चरवाहे का शव, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे उज्जैन, बाबा महाकाल का विधि विधान के साथ पूजन किया, अभिषेक कर बाबा का लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौक में फूंका पुतला, पुतला दहन कर जमकर की नारेबाजी। और देशभक्ति के तीन रंगों में रंगा बस स्टैंड, आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ की थीम पर हो रहा भव्य रामनवमी महोत्सव का आयोजन। महाराज राजेश्वरी महिला महासंगठन चोरई में सोनी समाज की बहनों के द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी की चुनरी यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से नगर के बड़ी माता मंदिर तक निकाली गई। इस चुनरी यात्रा में महिला मंडल जुड़ी, महिलाओं ने श्रद्धा सद्भावना और विश्व में शांति सुख समृद्धि सुखमय जीवन की कामना करते हुए संगठन की बहनों के द्वारा माता रानी को 11 फीट की चुनरी चढ़ाई, जिसमें सोनी समाज अध्यक्ष अंजलि सोनी, ममता सोनी, रानी सोनी, सपना सोनी, विमला सोनी, छाया सोनी, लक्ष्मी सोनी, जूही सोनी, मंजू सोनी, दीपशिखा सोनी, रचना सोनी, शिखा सोनी, संगीता सोनी, उषा सोनी, आरती सोनी, सेवंती सोनी, साक्षी सोनी, माया सोनी, उमाशंकर सोनी, मुकेश सोनी, अविनाश सोनी, अज्जू सोनी, राकेश सोनी, किशोर सोनी और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस चुनरी यात्रा में सम्मिलित होकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महिला मंडल द्वारा कड़ी मेहनत कर कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी श्रद्धालुओं का सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहे, यही अपेक्षा की गई। बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना अंतर्गत वनांचल ग्राम मुकुंदी टोला चंदना के खेत में हर्रा पेड़ के नीचे एक 33 वर्षीय चरवाहे का शव मिलने से समूचे ग्राम में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा के चंदना से सटे ग्राम मुकुंदी टोला के खेत में हरे पेड़ के नीचे मिले शव की शिनाख्त ग्राम चंदना निवासी चरवाहे जीवन लाल राउत, पिता बैरागी लाल रावत, उम्र 33 वर्ष, जाति गोवारा के रूप में की गई है। मृतक जीवन लाल राउत की पत्नी अनिता राउत ने बताया कि मेरे पति जीवन लाल राउत ग्राम मुकुंदी टोला में भैंस चराने का काम करते थे। हर रोज वो भैंस चराकर सुबह 10 बजे तक घर आ जाया करते थे, लेकिन बुधवार जब वो घर 10 बजे तक नहीं पहुंचे तो मुकुंदी टोला में खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद ग्राम के ही निवासी भजन लाल राहंगडाले मिल गया और उससे पूछने पर उसने बताया कि चरवाहे जीवन लाल ने मेरे खेतों में असली के फसल पर भैंस चरा दी थी, जिसकी वजह से मैंने उसे मारा है और वो खेत में हर्रा पेड़ के नीचे पड़ा है। जब खेत में हर्रा पेड़ के नीचे जाकर देखा तो वो मेरे पति चित अवस्था में मुंह के बल पर पड़े हुए थे। उनको हटाकर देखा तो सांस नहीं चल रही थी और मुंह से खून निकल रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस की टीम ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ग्रामीणों के बताया अनुसार मृतक जीवन लाल के घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे और उनकी बहन है। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी भजन लाल के ऊपर पुलिस थाना परसवाड़ा के अपराध के और भी मामले पंजीबद्ध हैं। क्या नाम है आपका? ये जिनकी डेथ हुई है कौन है आपके? मेरी पत्नी। तो कैसे क्या हुआ था आज? सुबह घर से बहुत अच्छे से निकले थे। कितने समय निकले थे? 5:30 बजे सुबह। सुबह कहाँ जा रहा हूँ करके निकले थे? भैंस चराने। सेकंड नंबर पेज पे लगा। उसके बाद फिर ये 10 बज गए। तो 10 बजे हमेशा घर चले जाते थे। तो 10 बजे के बाद मैंने फोन लगा ही नहीं, जहाँ से भैंस चराते हैं। आज इतना लेट क्यों हो गया जो नहीं आ रहे हैं? नहीं तो हर दिन तो टाइम पे पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने बोली थी नहीं भाई, आज तो भैंस अकेले अकेले आ रहे हैं। कौन बोला है? यही जिनकी भैंस चराते हैं वो लोग। तो मैंने बोली क्यों आ रहे हैं अकेले अकेले? तो बोलते हैं जाके देख लो, आ जाओ तुम ये देख लो जाके, मैं परसवाड़ा जा रहा हूँ।
मैंने बोली ठीक है, मेरी ननद को बोली चल भाई देख के आते हैं रे, कहीं धूप धूप में प्यास लग जाती कभी तो गए होंगे ऐसा कर। तो आए हम लोग तुन्ही के घर में, सबसे पहले तुन्ही के घर पे गए, पानी पिए हम लोग ने। किनके घर? उन्हीं के, ननद के यहाँ। नहीं, ईश्वर लाल। अच्छा, पानी पिए फिर पूछे उनको कि आए क्या कह के, तो नहीं बोलते हैं, आते हैं तो हमारे घर पानी पीते हैं, खाना वाना चाय भी यही पीते हैं, ऐसा बोले उन्हें। तो मैंने बोली आज तो हमारे घर ही नहीं पहुँचे, 11 बज गए थे। फिर हम लोग उनके घर से निकले तो इधर से एक भाव जा रहा था, भजन लाल जा रहे थे, भजन लाल बोलते हैं वो, तो मैं नाम नहीं जानती थी पर अभी जानती हूँ। तो उन्हें बोले रास्ते में कि अलसी को पूरा खिलाए हैं जानवर को, मैंने उसको मारा। कौन बुलाए? मृतक जिसने मारा है उसको, जिसने मारा है भजन लाल। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? यही का रहने वाला है। तो मैंने बोली कहाँ है? तो बोलते हैं उसी ने बताया। हाँ, कि हर्रा पेड़ के पास गिरा हुआ है, जा चले जा। तो मेरी ननद भी थी साथ में, यही थी साथ में। तो हम लोग आए तो ऐसे पड़े हुए थे, तो हमने मैंने हटा के देखी इनको, तो मैंने सोची ऐसे सोए होंगे, तो हटा के देखी तो मुँह पूरा मुँह ऐसा दबा हुआ, ब्लड निकल रहा था मुँह से। ये जीवन लाल जो है गाय बैल चराता है, ये तो गाय बैल चराने खेत तरफ लेके गया था, तो ये भजन लाल के खेत में शायद गाय बैल अलसी के खेत में चले गया हूँ। तो भजन लाल जो है उसके साथ कि मेरे खेत में गाय बैल थे आकर के नुकसान कर गए, इस बात को लेकर के आलोचना करके उसके साथ मारपीट किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। अभी जाँच में लेकर अग्रिम विवेचना की जा रही है। सर मौके पे कुछ मिला है? सर मौके पे तो अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन परिवार वाले का कहना है कि वजन लाल जो है उसके साथ मारपीट किया है। जी सर, उसी आधार पर जो है हम आगे विवेचन करते हैं। देशभक्ति के तीन रंगों में रंगा बस स्टैंड आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के थीम पर हो रहा भव्य राम नवमी महोत्सव का आयोजन कोरोना काल में बीते विगत 2 वर्षों के बाद दोबारा इस वर्ष समूचा शहर राम की भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहा है। मोबाइल एसोसिएशन द्वारा भव्य राम जन्म महोत्सव का आयोजन किया गया। समूचे बस स्टैंड सहित आसपास के क्षेत्र को देशभक्ति के 3 रंगों से सजाया गया, साथ ही आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई जो देखते ही बन रही है। इसी क्रम में प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क भगवा ध्वज वितरण जारी है। कार्यक्रम में 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक प्रतिदिन रात 8:30 बजे श्री राम जी की महाआरती के बाद विशाल डीजे नाइट शो राम मंदिर निर्माण हर्ष महोत्सव भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। मोबाइल एसोसिएशन द्वारा प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित कर भव्य महाआरती की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य महाआरती में शामिल हुए। इनमें विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ आक्टे सहित मोबाइल एसोसिएशन के सभी सदस्य और हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित थे। रामनवमी की पूर्व संध्या यानी 9 अप्रैल को रंग बिरंगी मनमोहक जमीनी और आकाशीय आतिशबाजी जो कि विशेष रूप से बुलाई गई की जाएगी। हिंदू समिति के वरिष्ठ सदस्य छिंदवाड़ा मोबाइल एसोसिएशन के हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय आनंद बख्शी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे भी हमें आज इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन देवे। आदरणीय आनंद बख्शी जी, परमात्मा को प्रणाम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को प्रणाम, माता वैदेही को प्रणाम, लक्ष्मण जी को प्रणाम, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। मंच पर विराजमान पूरा कांग्रेस परिवार जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में निरंतर काम करता है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओपते जी, अमित सक्सेना जी, पंकज शुक्ला जी, किरण चौधरी जी, केशव साहू जी, आनंद राजपूत जी, प्रबल सक्सेना जी, हमारे पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील साहू जी, नितिन उपाध्याय जी, तरोरा जी, पप्पू यादव जी, तरुण कराड़े जी, एकलव्य आहके जी, विक्रम आहके जी, वीर उइके जी, हमारे जीवन सिंह जी, राहुल मालवी जी, विश्वेंद्र बैस जी, जगदीश चंद्रवंशी जी, राकेश माहौरे जी सहित सभी
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में श्रीमद भागवत के विख्यात कथाकार श्री देवकी नंदन ठाकुर से सौजन्य भेंट कर उनसे धर्म और अध्यात्म के विषयों पर चर्चा की। इसके बाद वे उज्जैन से मंदसौर के लिए निकल गए। इस दौरान रतलाम जिले के जावरा में स्थानीय नागरिक गणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक स्वागत कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भेंट की। सब सुखी हो, समृद्ध हो, निरोग हो, यही प्रार्थना रहती है। हमारा प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। माता सदैव आता रहता हूँ, आज भी आए। सर कमलनाथ जी 76 के हो गए, आप कह रहे हैं, आपको लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कौन रहेगा अगला जो है बीजेपी को टक्कर दे सकता है? ये उनका आंतरिक मामला है कौन रहेगा, लेकिन बीजेपी को टक्कर कोई नहीं दे सकता। ये आपने भी 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देखी होगी। अब समाप्ति की ओर है उनका, सूर्य अस्ताचल की ओर है। क्यों नहीं होंगे, कौन होंगे, जरूर होंगे। अध्यक्ष मोदी अध्यक्ष के पद के लिए भी अभी मोह आया है, अध्यक्ष पद के लिए भी मोह आया कौन बताना। अब ये उनके यहाँ परंपरा है परिवारवाद की, और परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी हमेशा खिलाफ रहती है। सर महाकाल का स्वरूप बदल रहा है, उसको लेकर आप देखिए कितना भव्य और दिव्य बन रहा है। आत्मा आनंद विभोर हो जाती है। मैं तो आज देख के ही हर्षित हुआ, पुलकित हुआ, और सच में बहुत अच्छा कॉरिडोर बन रहा है। सवाल लगातार जो है उसको लेकर उज्जैन भी जो है जागृत हो या स्लीपर हो, मध्य प्रदेश में किसी भी आतंकवादी की खैर नहीं, कोई नहीं बख्शा जाएगा। सर महाकाल मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट होती है, उसको लेकर क्या प्लान? हाल ही में सर बीएसएफ जवान के साथ भी मारपीट की गई है, सुरक्षा कर्मी। विषय संज्ञान में आया था और अभी महामंत्री जी ने बताया भी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौक में पुतला फूंका। आपको बता दें कि गुरुवार को भाटापारा के अस्पताल चौक में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। शहर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा किसान विरोधी बयान दिया गया, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। उक्त अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष त्रिलोक सलूजा, पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्र साफ, पार्षद सुशील सबलानी, नेम तिवारी, अमर मंडावी, ग्रामीण अध्यक्ष मनमोहन कुर्रे, विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस मोहन निषाद, मुकेश ताहू, गिरीश परप्यानी आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुतला दहन का कारण था केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो खैरागढ़ चुनाव प्रचार में आए हैं, वो किसानों के अहित में बात कर रहे हैं। 2500 रुपये क्विंटल में जो धान खरीदी कर रहे हैं हमारे भूपेश बघेल जी, उनके विरोध में और किसानों को मतलब भड़काया जा रहा है, मतलब उनको न मिले करके, तो उन्हीं के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। ऐसे मंत्री को तो शर्म भी आना चाहिए जो हित का काम कर रहे हैं हमारे भूपेश सरकार, उसके लिए जो बोलते हैं उसी के कारण हम लोग पुतला दहन किए हैं। क्या परिचय दे दो जी? मैं प्रमिला साहू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों को प्रसारण करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7517560101 पर व्हाट्सएप करें, और मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें JBT आवाज टीवी और देखें लाइव टीवी शो। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।